सबसे पहले लिखेगा एल एच एस बराबर कॉस ए बाटा वन प्लस साइन ए, और वन प्लस साइन ए बाटा में कॉस ए, बाटा पे के जोड़ तो बढ़िया से बनाता होगा, वन प्लस साइन ए कॉस ए, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लघुत्तम में आ जाएगा, इससे इसमें भाग लगेगा तो ये तो कट जाएगा तो यह ना बच जाएगा, इससे इसमें गुणा होगा तो इससे भाग लगेगा ही कटेगा तो ही बचेगा, इससे इसमें गुणा होगा तो वन प्लस साइन ए दो गो एक जैसा है तो होल स्क्वायर कर देगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ा जाए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जब इसे तोड़ोगे तो होगा वन प्लस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, अब बाटा में वन प्लस साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। आगे देखिए कि कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों को मिलाएगा तो सूत्र क्या बनता है, लिखा गया है ना, तो ई वाला मिल के एक हो गया, आई है एक है ना, टू साइन ए अब बाटा में वन प्लस साइन इंटू कॉस। आगे चलो, एक और एक मिलकर क्या हो गया, टू साइन ए उतर गया, नीचे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस, दो और दोनों में है तो कॉमन निकाल देगा का ऐसे, तो बच जाएगा वन प्लस साइन ए बच जाएगा, दो कॉमन आने के बाद ही बच जाएगा, बाटा में वन प्लस साइन ए गुणे हो गया कॉस, देखो तो एक जैसा है कट गया, बच क्या गया, तो बच गया दो गुणे वन बाई कॉस दो गुणे वन बाटा कॉस बच गया टू, वन बाई कॉस ए का सूत्र क्या होता है, क्या आरएचएस में यही बात लाना था ना, प्रूव्ड हो गया।